हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुपी महालक्ष्मी पात्र मु टीएनडी स्किल सेंटर रो स्टूडेंट। आज सीएसआर विषय रे किछि वीडियो अपलोड हेतला, तार एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस विषय में किछि कहबाक चाहै। बिजनेस इम्पोर्टेंस ऑफ सीएसआर। सीएसआर मीन्स टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी, इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सीएसआर माने एटा नै जे से खाली सोशल सोसाइटी पे किसी काम करे। सीएसआर रो मीनिंग एटा भी जे बिजनेस तारो सेल्फ डेवलपमेंट कर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कला पर ही तार 2% से कौन कर माने इन्वेस्ट कर सीएसआर रे, तो तार सेल्फ इम्प्रूवमेंट निहाते आवश्यक इम्पोर्टेंस अच्छे। यार हाइटेन पब्लिक क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स अच्छे विश्वास। जदि कंपनी भल रेज अच्छी आउ से सीएसआर रे इन्वेस्ट कर गोटे विश्वसनीय कंपनी आउ पब्लिक ता आड़ को अट्रैक्ट हे। रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो आउ गोटे इम्पोर्टेंस हूँ जे बिजनेस सीएसआर रो मेन इम्पोर्टेंस गोटे हूँ जैसे कौन कर रिड्यूस कॉस्ट कर। कॉस्ट रिड्यूस कले कौन हम ना एम्प्लॉइज आउ कस्टमर अट्रैक्ट हे। इनक्रीज अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर जदि जानवे जे बिजनेस भल प्रॉफिट थी ही से कौन कर 2% माने कंट्रीब्यूट कर सीएसआर रे, तो से इन्वेस्टर माने अट्रैक्ट हे जे बिजनेस रे भल इनकम अच्छी तो रिटर्न भल मिल। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप विथ स्टेकहोल्डर्स। स्टेकहोल्डर्स माने जहाँ भी आउटसाइडर रिलेशन सब जगह भल रिजनेस रिलेसनटा। मार्केट प्लेस आडभांटेजेस। बिजनेस तार मार्केट प्लेस आडभांटेज भी नब आउ रिक्रुटमेंट भी दब। इम्प्रूव्ड रिलेशंस एंड रेगुलेशंस। तार रूल्स रेगुलेशन सब से किसी रख कहीं सीएसआर माने किसी रूल्स थाए एथिकल कहे ना। एथिकल माने हूँ कोड अफ कंडक्ट। तार किसी रूल रेगुलेसन थाए कि तार इनकम रही से किसी पार्ट को से एथरे कंट्रीब्यूट करे। ओवरऑल मैनेजमेंट को से करे इम्प्रूव करे आउ तार कौन करे एफेक्टिवनेस को से बढ़ाए। जदि गोटे बिजनेस तार एफेक्टिवनेस बढ़ोची बा से इंडिया तार भल ना कर ब्रांड रेपुटेसन रखुच्छे तालोले से सीएसआर दब जमीक रतन टाटा, तो तार ब्रांड रेपुटेसन भी है, तार इम्प्रूवमेंट भी है, आउ आमर भी नेशनल इनकम भी इनक्रीज है। देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ सीएसआर। ब्रांड एंड रेपुटेशन। जदि गोटे बिजनेस भल ग्रोथ रही आ सीएसआर रे रेगुलरली किसी कंट्रीब्यूट कर तार ब्रांड भी रहा रेपुटेशन भी रहा। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन तो आम इम्पोर्टेंस पढ़ते। अट्रैक्ट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज मानक भी अट्रैक्ट कर कहीं जब गोटे बिजनेस सीएसआर रे कंट्रीब्यूट कर तार एम्प्लॉइ मानक तार शेयर होल्डर स्टेक होल्डर मानक से खुशी कर वेलफेयर पर चिंता कर। बैलेंस विथ पावर एंड रेस्पोंसिबिलिटी। रेस्पोंसिबिलिटी अच्छी बिजनेस बिजनेस आ तार पावर भी अच्छे, तो से दुटा को मेंटेन करके चल। लॉन्ग रन प्रॉफिट। जदि बिजनेस लॉन्ग रन प्रॉफिट हेले ही से कौन कर तीन वर्ष पास्ट प्रॉफिट रो 2% से इन्वेस्ट कर, तो यहाँ लॉन्ग रन प्रॉफिट पर भी बिजनेस गोल रखे। आउ मोरल ऑब्लिगेशन किस तरह ऑब्लिगेशन रखे। आउ एनहांस एम्प्लॉय रिलेशंस प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशंस। एम्प्लॉय मानक रिलेशंस को बढ़ाए, रेस्पोंसिबिलिटी बढ़ाए आ तक इनोवेटिव आइडिया को से बढ़ाए। जदि बिजनेस ग्रोथ करार अच्छे तार इनोवेटिव आइडिया दरकार, तो से आइडिया को ये माने रेस्पॉन्ड करे एक्सेप्ट करे। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन कम्युनिटी। कम्युनिटी पर भी किसी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। थैंक यू।